अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वली तो आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट। दोस्तों उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन क्रिकेटर्स के बारे में जो अपने कैरियर के अरूज पर रिटायर हुए और यंगस्टर को आगे आने का मौका दिया। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर टेन पर थे कुमार संगकारा। संगकारा जब श्रीलंका की टीम को खेलते थे तो श्रीलंका की टीम नंबर वन थी। आहिस्ता आहिस्ता जब श्रीलंका में टैलेंट आता गया तो सीनियर के ना होने की वजह से यंगस्टर को चांस नहीं मिलता था और संगकारा ने यंगस्टर को मौका देने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से टैलेंट ले ली। संगकारा भी 3 और 4 साल क्रिकेट खेल सकते थे लेकिन इन्हें ऐसा नहीं किया। संगकारा ने श्रीलंका के लिए 2000 से लेकर 2015 तक क्रिकेट खेली। इनका शुमार दुनिया के अजीम बैट्समैनों में होता है। इन्हें श्रीलंका के लिए 134 टेस्ट, 404 ODI, 54 T20 खेले। इन्हें टेस्ट में 12,400 रन, ODI में 14,023 रन और T20 में 1,382 रन बनाए। नंबर नाइन पर आते हैं लुक्रोंची। इन्हें अपना डेब्यू ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किया था और अपना पहला मैच में 23 रन 50 बना डाली लेकिन बाद में इन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम को छोड़ दिया और न्यूजीलैंड आ गए। इन्हें न्यूजीलैंड में डेब्यू करने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा। 2013 में इन्हें न्यूजीलैंड की जान से पहला मैच खेला। न्यूजीलैंड के लिए 4 टेस्ट, 84 ODI और 32 T20 खेल चुके हैं। इनका सबसे अच्छा रिकॉर्ड ODI में था। इन्हें 25 की एवरेज के साथ 1,393 रन बनाए और इनका बेस्ट स्कोर 170 नॉट आउट था। इन्हें रिटायरमेंट वक्त से पहले ही ले ली ताकि यंगस्टर को आगे आने का मौका मिले। नंबर एट पढ़ते हैं अजहर अली। अजहर अली पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन हैं। याद रहे कि इन चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में अहम किरदार अदा किया था। इन्हें यंगस्टर को चांस देने की वजह से ODI क्रिकेट से बहुत जल्द रिटायरमेंट ले ली। इन्हें पाकिस्तान के लिए 73 टेस्ट मैचेस, 53 ODIs खेले हैं। इन्हें टेस्ट में 5,700 रन बनाए और ODI में 1,845 रन बनाए। याद रहे कि अजहर अली बस ODI और T20 से रिटायर हुए थे, टेस्ट में अभी खेल रहे हैं और पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं। नंबर सात पर आते हैं मोर्ने मोरकल। मोरकल उन प्लेयर्स में शामिल है जो फिट होने के बावजूद रिटायरमेंट हो गए प्लान किया। इन्हें साउथ अफ्रीका को अपनी बॉलिंग से बहुत से मैच जितवाए हैं। इन्हें भी यंगस्टर को मौका देने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। इन्हें साउथ अफ्रीका के लिए 12 साल क्रिकेट खेली। साउथ अफ्रीका के लिए इन्हें 86 टेस्ट मैचेस में 309 विकेट्स, 117 ODI मैचेस में 186 और 44 T20 में 47 विकेट हासिल की। नंबर 6 पढ़ाते हैं केविन पीटरसन। केविन पीटरसन ने अपने दम पर इंग्लैंड को 2009 का T20 वर्ल्ड कप जितवाया था। इनके साथ बोर्ड बहुत बुरा हुआ था। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इनको कोचिस से जगड़ने की वजह से टीम से बाहर कर दिया। ये क्रिकेट खेलने साउथ अफ्रीका चलेंगे लेकिन वहाँ भी इनको सेलेक्ट नहीं किया गया तो ये मायूस होकर वापस आ गए। इन्हें आकर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इन्हें इंग्लैंड के लिए 104 टेस्ट, 136 ODI और 37 T20 खेले हैं। इन्हें टेस्ट में 8,182 रन, ODI में 4,440 रन और T20 में 1,136 रन बनाए। नंबर पाँच पर आते हैं मिचेल जॉनसन। मिचेल जॉनसन भी उन प्लेयर्स में शामिल हैं जो इन टैलेंट को आगे लाने की वजह से रिटायर हुए। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए 10 साल क्रिकेट खेली। इन्हें 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए 73 टेस्ट, 153 ODI, 30 T20 मैचेस भी खेले। इन्हें टेस्ट में 313 विकेट्स हासिल की, ODI में 239 विकेट्स और T20 में भी 39 विकेट्स हासिल की। नंबर 4 पर आते हैं एलिस्टर कुक। एलिस्टर कुक उन प्लेयर में शामिल है जिनने इंग्लैंड के ज़्यादा रन किए। इन्हें इंग्लैंड के लिए 12 साल क्रिकेट खेली। इन्हें इंग्लैंड के लिए 108 टेस्ट मैचेस और 92 ODI मैचेस खेले। इन्हें टेस्ट में 12,742 रन और ODI में 3,204 रन बनाए। नंबर 3 पर आते हैं Djbravo, जो अभी फेमस सिंगर भी हैं। वेस्टर्न क्रिकेट बोर्ड से इनके ताल्लुकात अच्छे ना होने की वजह से इन्हें भी जल्द रिटायरमेंट का फैसला कर लिया और अपने लाखों फैंस को म्यूज कर दिया। इन्हें वेस्टर्न के लिए 12 साल क्रिकेट खेली। इन्हें 40 टेस्ट, 160 ODI और 66 T20 खेले। इन्हें T20 में 82 रन और 86 विकेट हासिल की। इन्हें ODI 160 ODIs खेलते हुए
3966 रन बनाए और 200 विकेट्स भी हासिल की। नंबर टू पर आता है शेन वाटसन। इनने भी यंगस्टर को मौका देने की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट से जल्दी रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। रिटायरमेंट लेते वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम को इनकी बहुत जरूरत थी, लेकिन इन्हें अपना फैसला बरकरार रखा। इन्हें 2016 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए 14 साल क्रिकेट खेली। इन्हें 59 टेस्ट मैचेस में 3771 रन बनाए और 75 विकेट्स भी हासिल की। इन्होंने 190 ओडे मैच में 5757 रन किए और 128 विकेट भी हासिल की। इन्हें 58 T20 में 1462 रन किए और 48 विकेट भी हासिल की। नंबर वन पर आते हैं मिस्टर 360 एबडेविलियर्स। इनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है। इन्हें क्रिकेट में बहुत सी नई शोर से भी याद किया है। जब भी इन्हें अपने रिटायरमेंट का फैसला किया तो क्रिकेट के फैंस हैरान रह गए थे। बहुत से लोगों को दुख पहुंचा था। इनने भी यंगस्टर को मौका देने की वजह से रिटायरमेंट ले ली। साउथ अफ्रीका के लिए इन्हें 13 साल क्रिकेट खेली। इन्हें 144 टेस्ट मैच में 8765 रन, 228 मैच ओडे मैच खेलते हुए 9577 रन किए। इन्हें 78 T20 मैच भी खेलते हुए 1672 रन भी किए। अपने फैंस को अम्यूज कर दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे वाली वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।